कल रात हमें सूचना मिली कि 16 लड़कियों को जबरन गुमराह करके नेपाल से दिल्ली लाया गया और उन्हें कुवैत और इराक भेजने की तैयारी चल रही है। मैं वहाँ पे मौका वारदात पे पहुँची अपनी पूरी टीम के साथ। दिल्ली पुलिस को हमने वहाँ पे बुलाया और 16 लड़कियों को रेस्क्यू कराया जो कि एक कमरे में बंद थी, छोटे से कमरे में बंद थी। जब उन लड़कियों से बात करी तो पता चला कि किस तरीके से उन्हें काम का झांसा देकर कुछ ट्रैफिकर्स, कुछ दलाल नेपाल से लेकर आए, दिल्ली में रखा हुआ था और अब इराक और कुवैत भेजने की तैयारी हो रही थी। उनके पूरे के पूरे पासपोर्ट्स उन दलालों ने छीन लिए थे। लड़कियां बहुत परेशान थीं और 7 लड़कियों को 15 दिन पहले ऑलरेडी वो लोग इराक और कुवैत में भेज चुके थे। ये जो जगह है जहाँ से लड़कियों को हमने निकाला, ये पुलिस स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पे है। मुझे ये समझ नहीं आता कि दिल्ली महिला आयोग को पता चल जाता है कि इतना बड़ा रैकेट चल रहा है, इतनी सारी लड़कियों को बेचा जा रहा है, तो दिल्ली पुलिस को कैसे नहीं पता चलता। जब तक दिल्ली पुलिस की जवाबदेही तय नहीं की जाएगी तब तक दिल्ली बिल्कुल मानव तस्करी का अड्डा बना रहेगा, हम लोग रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बने रहेंगे। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बार बार राजनाथ सिंह जी से मैंने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी है कि सर दिल्ली के लिए भी थोड़ा समय निकाल लें, क्यों नहीं आप हर महीने कम से कम 1-2 मीटिंग तो लीजिए। पुलिस कमिश्नर को बुलाइए तो सही, LG साहब को बुलाइए तो सही, दिल्ली महिला आयोग को बुलाइए, आप हमसे बात तो कीजिए। जब तक आप हमसे बात नहीं करेंगे तब तक आप दिल्ली पुलिस की जवाबदेही कैसे तय करेंगे। मैं ये चाहती हूँ कि इस मामले में ये बहुत बड़ा गैंग है, ये इतना बड़ा जो ऑपरेशन इनका चल रहा था, इतनी लड़कियां इन्होंने बेची हैं, मैं सोच भी नहीं सकती, सोच के भी मेरे को डर लग रहा है कि कुवैत और इराक जाकर उनके साथ क्या क्या हो रहा होगा। लड़कियों ने ये तक बताया कि वहाँ पे कुवैत और इराक में एक लड़की लेकर गए वो लोग जो कि प्रेग्नेंट भी हो गई है। तो कौन जिम्मेदार है इस पूरी घटना के लिए, कौन जिम्मेदार है इस मानव तस्करी के लिए? राजनाथ सिंह जी से अपील करती हूँ कि तुरंत इंस्ट्रक्शन देकर जितने लोग ये ट्रैफिकर्स हैं, जितने लोग मानव तस्करी में इन्वॉल्व हैं, ये जितने लोग रैकेट चला रहे हैं, इन सबको अरेस्ट करा जाए और देखा जाए कि दिल्ली में इन सबका सरगना कौन है।